और अभी मैं आपको ये इसका नाम ही देकर रखा मैंने, डिफिकल्टी. दिस गर्ल इज द मोस्ट कंफ्यूज गर्ल. मतलब ये लड़की से ज्यादा कंफ्यूजन को क्या बोलते हिंदी में, दुविधा. दुविधा. ये इतना दुविधा है इसकी जिंदगी में. और देखिए बड़ा बड़ा ये बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है. ये इतने सारे इसके देखिए ना, जुपिटर वीनस है इनके लगन में ना, एग्जॉल्टेड. तो ये एक ऐसा चार्ट है जिसके लाइफ में कभी को प्रॉब्लम ही नहीं आया आज तक. मतलब वो कहते हैं ना कि एकदम स्मूथ जर्नी जिसको बोलते हैं ना, वैसा हुआ है. लेकिन सारा सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम है इसका. सारा सेल्फ क्रिएटेड. और कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है ये देखिए, ये तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स यहाँ पे. मंगल भी केंद्र में है, गुरु भी केंद्र में, शनि भी केंद्र में है. तो ये मतलब सारा एकदम उसी साइड से आ रहा है. तो ये मेजोरिटी प्रॉब्लम कहाँ होगा, उसके बुद्धि जो उसका लगा ना, और दूसरे लोग. और इसका जो लड़की का नेचर है ना, बहुत मीठा बोलने वाली. देखिए टॉरस में इतने प्लैनेट्स है, कैंसर में इतने प्लैनेट्स है. मतलब इससे ज्यादा मीठी बोलने वाली लड़की आपको मिलेगी नहीं. मतलब इसका तो आवाज ऐसा है ना कि मानो सुनने को ही ना मिले आपको. अच्छा. हाँ, लेकिन ये जो इंग्लिश में बोलते हैं ना टॉर्मेंटेशन, ये चलता रहता है उसके अंदर. और हमेशा ही दूसरे लोगों से रिलेटेड इसका इशू आता है, क्योंकि ये सेवेंथ हाउस में ये हो रहा है ना. और ये देखिए महापुरुष योग में. और अभी आप बोलेंगे अरे मंगल तो बहुत कमजोर है, लेकिन नीच भंग हो गया इसका. मंगल बोलेगा अरे अब तो हम गुरु के साथ है, हम भी मारेंगे. ना, तो इसका लाइफ में हमेशा यही होता है, मैं ये करूं कि मैं वो करूं. एंड अल्टीमेटली ये एक भी डिसीजन ठीक से नहीं ले पाती है. कुछ ना, और ले भी लिया ना इसने डिसीजन, तो वो हाफ हार्टेड बोलेगा ना, पूरा हृदय से नहीं लेगी वो. बिल्कुल, बिल्कुल. उसके दिमाग में एक अल्टरनेट प्लान चलता रहता है, क्योंकि ये देख रहा है ना. और ये हमेशा ऐसा ही रहेगा इसका. इसका कुछ किया नहीं जा सकता. मतलब ऑफ कोर्स रेमेडीज हम सजेस्ट कर सकते हैं, ये करो वो करो, बट वो करना पड़ेगा. और वो करने के लिए भी इसको इंटरेस्ट नहीं है. ओहो, अच्छा. वो क्यों नहीं है, क्योंकि जुपिटर को जो है ना शनि देख रहा है. तो मैंने ज्यादातर देखा है कि जब जुपिटर और शनि का ना उस टाइप का लिंक आता है, तो मैंने ऐसा देखा है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में कि जब तक आदमी की जिंदगी में ना कोई बहुत बड़ी दुख भरी घटना नहीं घटती है, वो आध्यात्म की तरफ नहीं जाता है. क्योंकि शनि का एस्पेक्ट है ना, क्योंकि तब तक आदमी डाउट में रहता है. शनि डाउट को भी दिखाता है ना, राहु दिखाता है, बट शनि सौरव को दिखाता है. बिल्कुल, ये तो गुरु वहां जाके नीच का हो जाता है मकर राशि में ना, क्योंकि वो आदमी को डाउट बड़े लगे रहते हैं. ओ ये मंत्र करूंगा तो कैसे मुझे होगा ना, कौन देगा क्या करेगा, एक्सपेक्टेशन बहुत रहता है. तो इसको मंत्र दोगे तो भी नहीं करेगी. लेकिन इसका इनहेरेंट डिस्पोजिशन है स्पिरिचुअल, क्योंकि जुपिटर एग्जॉल्टेड है, नवमेश भी है लगन में, तो ये है. बट ये शनि को ठीक करना पड़ेगा कैसे तो करके. तो इसको मैं एक और प्रैक्टिकल सजेशन दे सकता हूँ कि रेड और ब्लैक चीजों से दूर रहे. ये मेरे सीनियर है, इन्होंने सजेस्ट किया था ऐसे केसेस में, शनि मंगल जब अपोजिशन में हो. जी जी. या आयरन स्टील, वो जो शनि और मंगल जिन चीजों को दर्शाते हैं ना, उन चीजों से दूर रहो. उन चीजों उनके रिलेटेड जो वस्तुएं हैं उनको जीवन में यूज मत करो. हाँ, बिल्कुल. हाँ, तो गुरु को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो. तो मतलब क्या बोलेंगे आप, जैसे जब भी कोई वो करे तो देखे कि एजुकेशन टाइप से रिलेटेड होना. तो गुरु को अगर वैसे स्ट्रॉन्ग करोगे तो गुरु तो ऐसे ही स्ट्रॉन्ग है ही यहाँ पे एग्जॉल्टेशन में. बिल्कुल, तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा इसको. नहीं, बल्कि यहाँ पर एक चीज है जैसे आपने बताया ना कि कंफ्यूजन और संशय है. आप बता रहे थे कि शुक्र और शनि ये दोनों के जो बिहेवियर है वो थोड़े अलग अलग है, वो पैसा की तरफ, शनि डिटैचमेंट की तरफ. फिर गुरु मंगल भी आपने ऐसे बताया कि गुरु कहता है कि लॉ लॉ अबाइडिंग रहो, मंगल उसे ब्रेक करने के लिए कहता है.
तो जब चार एक दूसरे से बिल्कुल ही, अच्छा इधर शुक्र गुरु को भी देखें तो उनमें भी कुछ कॉमन फीचर नहीं आते, क्योंकि दोनों एक दैत्याचार्य एक देवाचार्य है, तो किसी में भी बनती नहीं दिख रही है। चारों ने केंद्र ऑक्यूपाई करके इस बेचारी को कंफ्यूज कर दिया, वही फोकस हिल गया सारा। पूरा मैं बात कर रहा ना, आप इससे 5 मिनट बैठोगे ना बात करने, आप फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा आपको। और मुझे बुरा क्या लगता है इसके बारे में, इंसान बहुत अच्छी है, बहुत ही सही इंसान है। देखो लग्नेश भी उच्च का है, बिल्कुल बहुत सही इंसान है, वेरी नाइस गर्ल। बट क्या करे ना, मतलब इसको बोलोगे कि पिज्जा खाओगे कि पनीर बटर मसाला खाओगे, बोले पिज्जा में कौन सा है। भाई नहीं होगा हमसे, तुमको जो खाना है तुम खा लो, 1 घंटा बाद बोलेगी कि अरे हमने तो खाना ही नहीं खाया जी। तो खाना वो शुक्र दिखा था ना, उस रिलेटेड भी कंफ्यूजन। तो टोटल कंफ्यूजन है ये। तो इसका जो नाम है ना हमारे स्कूल में, को एक नाम दिया है उसको एसमीज में, उसको कहते हैं बैंगी। बैंगी मतलब अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट करके तो इडियट बोलते हैं उसको। अच्छा अच्छा। इट्स नॉट काइंड ऑफ दैट फूलिश इडियट, बट जिसको जो मतलब बहुत गाय जैसा जिसका नेचर हो ना, जिसको कहीं भी आप ना धकेल दोगे तो हाँक दोगे ना, बोलता है वहां चला जाएगा। उस टाइप का नेचर है इसका थोड़ा। अच्छा। तो अभी ये दूसरा है, ये यहाँ में भी रॉयल रोड दिख रहा है आपको ना एकदम। सूर्य दिग्बल में है। और अभी ये जो मेरा, ये मेरा दोस्त का भाई है एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि इनका देखिए क्या हुआ था ना, अभी सूर्य जो है ना वहाँ नीच का है जी, तो यहाँ में वो दिक्कत आ जाती है। डिरेक्शन वाइज सूर्य दिग्बल में है, साइन वाइज डेबिलिटी में है। तो मतलब इसका क्या इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं आप? ये बड़ा सिंपल है बोलना कि कुछ तो एक सीरियस प्रॉब्लम होगा सूर्य रिलेटेड, उसके बाद आपका राइज होगा ना, या ऐसा ना कहूंगा मैं कि उसके बाद राइज होगा, बट आपका राइज होने के लिए वो चीज होना पड़ेगा। उसके, उसके बिना ये डेबिलिटी जो है ना ये खत्म नहीं होगा। और इनके साथ क्या हुआ था, और मेरा जो दोस्त है वो भी, उसका भी सन लिब्रा में ना, तो अभी यहां में आपको दोनों में क्लू मिल गया कि फादर रिलेटेड कुछ होना चाहिए। हाँ। तो इनके फादर जो है आसाम में, ही वाज अ पुलिस ऑफिसर, और आसाम में जो वो अल्फा का जो वो है ना, वो जब ये इसका जो भाई है जी। ये चार्ट जिसका है, ये 1.5 साल का था तो ही बॉम्ब से उड़ा दिया गया इनके फादर को। अच्छा। हाँ, तो दोनों के चार्ट में सूर्य नीच का है, एक का कुछ 7 नवंबर को है, एक का 28 अक्टूबर, ऐसा बर्थडे है दोनों का, ऐसा कुछ है। तो दोनों का सूर्य तुला में ही हो गया। तो फादर के वहां में तो ये ब्लो आया है, लेकिन ये अभी फिर गवर्नमेंट साइड में जाने को कोशिश कर रहा है। मैंने बोला जाओ, बहुत आराम से तुम्हारा हो जाएगा एग्जाम वगैरह जो भी है, कोशिश करो, बिकॉज तुम्हारा सन 10th हाउस पे है ना। और आ सवाल वो डेबिलिटी का, वो तो काम करके गया है। उस एंगल से मतलब अभी फ्यूचर में इनको लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। जैसे शाहरुख खान का भी जो सूर्य है वो भी नीच का है। नीच का है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वहां पे भी उनके भी फादर के एरिया में इश्यूज आए हैं यंग एज पे, तो अभी उनको और वो नहीं देगा ना, तो उस एरिया से ही अच्छा है। और ये एक दूसरी मेरी फ्रेंड है, उसका चार्ट है और ये है मॉडल। यहाँ में तो एक ही ग्रह एकदम लगन में। और ये नक्षत्र भी इसमें माघा नक्षत्र में, तो ये हमेशा ही स्कूल में भी सबसे खूबसूरत लड़की रही है, कॉलेज में भी जाएगी तब भी खूबसूरत रही है सबसे ज्यादा, जहां पे भी मेडिकल किया है इसने तो उसमें भी ना सबसे खूबसूरत एकदम। और माघा में कोई प्लेनेट होता है तो आदमी को लगता है कि वो एरिया में मुझे कोई हिला नहीं सकता है।
तो जब वीनस होता है माघ में, मैंने ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है गलत हो नहीं नहीं या बताइए। डिपेंड करता है आगे बाकी चीजों पे। हाँ हाँ मैंने ये देखा है कि वो आदमी ये सोचता है कि मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ, ना भी हो तो भी वैसा सोचेगा। लेकिन यहाँ में होगा भी, क्योंकि वो लगन है ना, लगन में शुक्र आ गया तो वो तो ब्यूटी रहेगा ही। बिल्कुल और ये थर्ड लॉर्ड का, थर्ड लॉर्ड भी, और थर्ड हाउस भी वही सब दिखाता है ना, इंटरेक्शन, लोगों से मिलना, तो वो एक बहुत प्रोमिनेंट एस्पेक्ट रहेगा ना। तो मॉडलिंग भी कर रही है अभी, और 10th लॉर्ड लगन में तो पूरा लाइफ उसका वही होगा, काम करते रहो। जी। हाँ, तो ये भी एकदम रॉयल रोड है ना। और यहाँ पे भी देख रहा है ये दोनों, अभी जो मैंने दिखाया था ना, ये डिफिकल्टी, हाँ इसमें देख रहे हैं सिमिलैरिटीज आप यहाँ में, क्योंकि दोनों का बर्थडे काफी पास में है, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल कर्क राशि में सारे सेम ग्रह बैठे हैं इनके, और ये भी सेम है, बस शुक्र अलग है, शुक्र के जगह में यहाँ में बुध आ गया है। लेकिन यहाँ में फर्क देख रहे हैं आप, केंद्र से बाहर है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, और काफी हार्ड वर्किंग भी है ये दोनों लड़कियां, मैं जानता हूँ, लेकिन ये केंद्र में नहीं है ना, तो ये ज्यादा टाइम नहीं खाएगा इसका। लेकिन ये केस में टोटल उल्टा है, ये बाजू वाले साइड में, ये तो जी टोटल डिजास्टर एकदम। तो यहाँ में तो बहुत क्लियरली हम बता सकते हैं केंद्र में, मॉडलिंग। हाँ केंद्र में वीनस ही या खेले और मॉडल है, तो ये तो बात, वो जो आपका जो नियम है पूरी तरह से अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। तो हाँ, पूरी तरह से अप्लाई हो रहा है। और कुछ बच गया है क्या? ये डिस्कस हुआ अभी, कुरु सूर्य हाँ, ये बच गया आई थिंक। ये बच गया। हाँ, तो ये भी एक मेरा दोस्त का ही चार्ट है, जुलाई 91 का चार्ट ही है, जुपिटर एग्जॉर्टेड। तो इस चार्ट में देखिए, फिर सूर्य दिग्बल में आ गया, गुरु केंद्र में आ गया, लेकिन अभी शनि और सूर्य का ऑपोजिशन आ गया, तो इसको भी मैं वही फोर्थ हाउस का जो रेमेडीज है वही सजेस्ट करूंगा, ताकि शनि का जो प्रभाव है वो कम हो सके, क्योंकि बिल्कुल बहुत ही स्ट्रांग ऑपोजिशन है ये। एक का डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में सूर्य, और दूसरा एक महापुरुष योग में है, तो इसमें एक ही ऑप्शन दिखता है मुझे कि शनि का जो पावर है उसको घटाओ, ठीक है। और इसमें एक और प्रॉब्लम भी होता है, ये योग कारक भी है, तो योग कारक को बलीन करना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक चार्ट के लिए, बट एक ही ऑप्शन रहता है हमारे पास। जिंदगी वैसी होती है ना, कभी कभार आपको कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ती है, क्योंकि मेरे गुरु थे जो कहते थे कि सही और गलत में फर्क करना बहुत आसान है, लेकिन दो सही रास्तों में से ये चुनना सही चुनना बहुत मुश्किल। बिल्कुल। अब इसमें क्या हो सकता है, जब हम कुछ अगर शनि को, शनि का पावर रिड्यूस करने का कोशिश करें, तो क्या हो सकता है प्रैक्टिकली? एजुकेशन में इसको थोड़ा चैलेंज आ सकता है, इंटेलिजेंस में चैलेंज आ सकता है, बट वो ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अगर इसको ताकतवर कर दिया तो पूरा टोटल डिजास्टर हो जाएगा ये तो। यहाँ में देखो ना, एकादश का स्वामी जो है वो भी 10th में बैठा है, वो भी फेबुलस है, तो पैसे रिलेटेड तो फेबुलस है ही। बिल्कुल सिक्स्थ लॉर्ड जो 10th पे है वो भी फेबुलस है पैसे के लिए, 2, 6, 10, 11 का कॉम्बिनेशन, और क्या चाहिए? और ऊपर से उच्च का भी है, तो ज्यादा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। इसको मैं यही कहूंगा कि कोशिश करो कि फोर्थ हाउस रिलेटेड रेमेडीज कर सको ना, तब चीजें बेहतर होंगी। तो दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। मंगल का तो इशू है नहीं यहाँ में। बिल्कुल 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 और मैं देखता हूँ कोई चीज बच गया है क्या। नहीं, हो थैंक यू सो मच गया। भावा जी। जी जो आपने इतने एग्जाम्पल्स दिए ना, एग्जाम्पल्स से चीजें एकदम क्लियर हो जाती है। अगर एग्जाम्पल्स ना हो तो बंदा कंफ्यूज रहता है कि इस थ्योरी को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर। तो मैं चाहूंगा आप एक बार इस जो आपके पॉइंट्स थे उनको एक बार फिर रिपीट करें, क्योंकि ये सीरीज काफी लंबी रही, शुरुआत हमारी कब हुई थी और अब हमारा एंड हो रहा है। तो आप इसके ऊपर इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे बताइए क्या क्या आपने। हाँ, तो बेसिकली मैं कोशिश करूंगा समराइज करने की। यहाँ तो सबसे पहले मैंने बोला कि केंद्र में अगर ज्यादा ग्रह है तो वो एक समस्या है, और अगर बलवान भी है तो दूसरी समस्या है,
और तीसरी समस्या तब आती है जब वो एक दूसरे को काटने पे तुले हुए तो तब उन स्थितियों में हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि उनमें से सबसे ज्यादा बलवान कौन सा है। जैसा हमने जयललिता के चार्ट में देखा कि गुरु शुक्र, शुक्र सबसे ज्यादा बलवान है, इनका गुरु से ज्यादा बलवान है, तो हमें इनको सजेस्ट करना पड़ेगा कि आप जो सबसे ताकतवर ग्रह है उसके साइड में जाइए, क्योंकि सत्य कहे तो वो हम ऐसे भी नहीं कर सकते सजेस्ट, क्योंकि अल्टीमेटली उसी साइड जाएगा वो ठीक है, लेकिन कहने में हम कह सकते हैं कि आप उस साइड जाइए ठीक है। तो वो पहली बात। दूसरी बात, हमें ये उनको वार्न करना पड़ेगा कि उसको काटने वाले जो ग्रह है उनके ट्रेड्स को अपने जिंदगी में मत लाइए। जैसा पीवीआर नरसिम्हा राव के चार्ट में हमें देखा कि गुरु बाहर है ठीक है, उनके केस में तो वो लागू ही नहीं होता क्योंकि गुरु बाहर ही है, लेकिन मान लीजिए गुरु केंद्र में होता तो आप क्या सजेस्ट करते, तो आपको उनको बोलना पड़ता कि दोनों में से एक ही हो सकता है और आपको चूज करना पड़ेगा। और अगर हम ये देखें, लास्ट पॉइंट में बोलूंगा कि दोनों ऑपोजिंग फोर्सेस जो एक दूसरे को काटने पे तुले हुए, अगर दोनों बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है तो ऐसे सिचुएशन में हमको देखना पड़ेगा कि कुंडली का ओवरऑल फ्लो किस डायरेक्शन में जा रहा है, समझ रहे ना, लग्नेश कहाँ है, उसका जैमिनी में जाएंगे तो आत्मकारक कहाँ है, टेंथ लॉर्ड क्या बोल रहा है ना, बोले टेंथ लॉर्ड कहीं बैठा है, लग्नेश कहीं बैठा है और यहाँ में युद्ध चल रहा है आप बोले इसको ठीक किए जा रहे हो, आदमी सोचता है लेकिन मुझे तो ये सब करना ही नहीं, मैं मेरा तो टेंथ लॉर्ड कहीं है लग्नेश कहीं है ना। तो जब बहुत ज्यादा अपोजिंग फोर्सेस हो तो आपको देखना पड़ेगा कि चार्ट का फ्लो किस साइड में हो रहा है, वो सबसे बड़ी बात है। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा उस डायरेक्शन में इन दो ऑपोजिंग फोर्सेस में से कौन हेल्प कर रहा है ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली केंद्र आपका लाइफ नहीं है, पूरा होरोस्कोप आपका लाइफ है, बिल्कुल सही ठीक है। उसके बाद जो ऑपोज कर रहा है इस फ्लो को, उसके रिलेटेड आपको रेमेडी सजेस्ट करने होंगे ठीक है। उसके रिलेटेड आपको चीजें, जैसा अभी लास्ट चार्ट हमने देखा कि योग कारक को भी कभी कभार हमें बलहीन करना पड़ सकता है ना, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है कभी कभार, लेकिन अल्टीमेटली हमें ये नहीं देखना है कि हम योग कारक को बलहीन कर रहे हैं, हमें बस ये देखना है कि आदमी के जिंदगी के लिए क्या बेनिफिटेड है। तो उसके लिए अगर हमें योग कारक को बलहीन करना पड़े तो उसमें कोई हानि नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली अंत में तो वो जो जैसे गीता में कहते ना कि अंतकालीन नारायण स्मृति शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि फलेना विपरीचयति, इसका अर्थ यह है कि तुम कुछ भी कर रहे हो उसके फर्क नहीं पड़ता है, बस एक ही चीज से फर्क पड़ता है कि आपका जो फल है वो कैसा है। तो अगर हम कुछ किसी ग्रह को उसको बलहीन करके अगर हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं तो उसमें कोई हानि नहीं है। और उसके अलावा जो दूसरा ग्रह जो चार्ट के फोकस के साइड में जिसको लेके जा रहा है, उस ग्रह को बलवान कीजिए, उस ग्रह को स्ट्रॉन्ग कीजिए, तो वैसे हम ये जो डिफिकल्टी है उससे हम क्या कहते हैं उसको, निजात पा सकते हैं और आखिर में तो यही कहूंगा कि जब ऐसे ऑपोजिंग फैक्टर्स हो, और बहुत सारे लोगों के लाइफ में होंगे, ऐसा नहीं कि मेजोरिटी लोगों के लाइफ में होते ही है ना, तो ऐसे तो हमें जैसे हमारे अध्यात्म है, हमारा स्पिरिचुअलिटी है ना, हमारे गुरुज जो है, हमारे शास्त्र जो है, उनको पढ़ना चाहिए, फिर हमें ज्यादा दिमाग में हमारा क्लैरिटी रहता है ना, हमको ज्यादा पता होता है अपने बारे में। तो मैंने देखा है ऐसे केसेस में कि एस्ट्रोलॉजर्स के पास कभी कभार लोग हमारे पास आते हैं और उनको पता ही होता है लाइफ में क्या करना है, और हमसे जस्ट पूछते हैं कि सर आपको लगता है ना कि मैं सही जा रहा हूँ, तो हमारे लिए बोलना काफी आसान हो जाता है। लेकिन कभी कभार लोग आते हैं और बोलते हैं कि सर मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए बताना, क्योंकि अभी हम ऋषि तो है नहीं, हम नॉर्मल इंसान ही है ना, एक दूसरे के जैसे। तो दिमाग में हमें क्लैरिटी लाना चाहिए, सत्वगुण बढ़ाना चाहिए अपने अंदर, और जब भी टाइम मिले सत्संग प्रोग्राम में जाइए और हमारे अपने अंदर के आध्यात्म जो है उसको उसमें और उन्नति लाइए, वैसे आपके जीवन में ज्यादा क्लैरिटी रहेगा, आपका थॉट प्रोसेस क्लीन रहेगा, क्लियर रहेगा, तो उससे हम इन चीजों को और प्रैक्टिकली ज्यादा डील कर सकते हैं। मंत्र हो गया या नग पहन के या जो भी आप बोले ना, पूजा पाठ जो भी करके, वो आपके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के अनुसार रहेगा, बट ये जनरल कोई भी कर सकता है, जैसे स्पिरिचुअल लाइफ को इम्प्रूव करे वो भी बोलूंगा मैं
नहीं, थैंक यू सो मच भावा जी जी, आपने इतना समय दिया, और मैं चाहूंगा वो टैगलाइन जो आपकी आपके चैनल की बोलते हैं ना, पहले तो आप अपने चैनल का विवरण जरूर दें और अपना वेबसाइट के बारे में बताइए क्या है, कैसे आपको कांटेक्ट किया जा सकता है। हाँ, तो मैं जैसा एक टैगलाइन बोलता हूँ कि गॉड इज देयर विद यू ऑल द टाइम, जस्ट लुक टू हिम एंड यू विल फाइंड हिम। तो इसका अर्थ यही है कि भगवान हमेशा आपके साथ है, उनकी तरफ देखिए, वो रेस्पॉन्ड करेंगे आपको। तो मेरा चैनल है एग्जोटिक एस्ट्रोलॉजी बोल के यूट्यूब में, तो आप शायद उसका लिंक डाल सकते नीचे, तो बिल्कुल बिल्कुल वो उनके लिए अवेलेबल रहेगा। हाँ, उसमें अराउंड 450 के आसपास वीडियोस डाले हैं मैंने, तो पूरा ज्योतिष पे है। और श्रीमद् भागवतम पे भी मैंने नया सीरीज चालू किया है अक्षय तृतीया से, जी और भगवत गीता पे भी मेरा वीडियोस है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ज्योतिष पे तो है ही, सारा ज्योतिष का ही काम है। और इसके अलावा मेरा वेबसाइट भी है, वो भी शायद लिंक नीचे मिल जाएगा आपको, बिल्कुल मिल जाएगा। और वहां पे आप जा सकते हैं, आप मेरे से कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं 1-to-1। और अभी मैं इंडियंस के लिए वो इंडियन बैंक अकाउंट का डिटेल भी मैंने डाल दिया है, तो अगर आपके पास पेपैल नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बैंगलोर में जो मेरा बैंक डिटेल्स बैंक है उसका डिटेल्स है, तो आप वहां पे लक्ष्मी ट्रांसफर कर सकते, तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और यही बोलूंगा मैं, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भावाजीत के चैनल पर अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ज्योतिष संबंधित और आध्यात्म संबंधित इतनी सामग्री है कि अगर आप उसको देखें और समझने की कोशिश करें तो काफी समय लगेगा और काफी ज्ञानवर्धक भी है, तो आप जरूर करिएगा। और अगर आप ये वीडियो भी पहली बार देख रहे हैं तो एस्ट्रोलाइज सूत्र को सब्सक्राइब करना ना भूले। हमारा प्रयास रहता है कि ज्योतिष संबंधित जितने भी विद्वजन हमें मिल सकते हैं उनको हम आपके समक्ष रखें और बात करें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर कमिंग भावाजीत जी, जय श्री राम। नमस्ते, बुलाने के लिए भी बहुत शुक्रिया, आशा करता हूँ कि सबको पसंद आया होगा ये वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल, राम राम राम। चलो बढ़िया।